उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन अर्धकुंभ चल रहा है, जहां आवाहन अखाड़े के सानिध्य में करीब 400 नए नागा सन्यासी बनाए गए। वहीं एक विदेशी भी हमें उस कतार में बैठा नजर आया, जो नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया से गुजर रहा था, जहां हमने देखा कि जब पंडित ने हिंदी में मंत्रोच्चारण किया तो उस विदेशी को कुछ समझ ना आया, जिसके बाद पंडित ने टूटी फूटी अंग्रेजी में उसे इस प्रक्रिया को समझाया। जिसको फॉलो करते हुए उस विदेशी ने नागा बनने की सारी प्रक्रिया को पूरा किया, जिसमें उसने अपना पिंडदान किया और गंगा जी में पलाश की लकड़ी को छुआते हुए संकल्प लिया कि अब वह मोह माया से बिल्कुल दूर हो गया है। सनातन धर्म में उस विदेशी की आस्था अगर आपको देखनी हो तो आप देखिए, उसके सीने पर श्री रामचंद्र और सीता माता का टैटू बना हुआ है, उसके हाथ में श्री कृष्ण का टैटू बना है, साथ में उसकी पीठ में कमल की आकृति बनी हुई है जिसमें ओम लिखा हुआ है। यह बेहद रोमांचित करने वाला विषय है कि आखिर हमारे सनातन धर्म में ऐसी कौन सी आस्था है कि पूरी दुनिया इसकी दीवानी हो पड़ी है। आपको बता दें कि दुनिया भर के लोग प्रयागराज आते हैं और अक्सर यह देखने को मिलता है कि बहुत सारे विदेशी प्रयागराज आने के बाद यहाँ से कभी वापस नहीं जाते। क्यों वापस नहीं जाते? वह इसलिए धर्म से इतना प्रभावित हो उठते हैं कि वह इसी में ही तल्लीन हो जाते हैं, जिसके बाद वह किसी अखाड़े से या किसी संप्रदाय से जुड़कर सनातन धर्म में पूरा जीवन अपना दे देते हैं। न्यूज़ एंड व्यूज़ से मैं श्रवण शर्मा, प्रयागराज।